हेलो दोस्तों, मैं रूपा और आप सभी को रूपाबंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे अंगूर की चटनी। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखें। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर बिठा दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब दे देते हैं सरसों का तेल। तेल ले दिए, इसमें फ़ौरन देंगे। फ़ौरन में देखिए मैंने यहाँ पर 5 फ़ौरन सरसों और सूखा मिर्चा लिए और 2 ठो तेज़पत्ता लिए, तो इसी में ऐड कर देंगे। फोरन लाल हो चुका है, अब इसमें अंगूर को अंगूर का कलर हमारा चेंज हो गया। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे देते हैं, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्चाई पाउडर। तो सारी चीज़ें को एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 8 से 10 अंगूर को मैंने पीस दिया था, पीसे हुए अंगूर को ही इसमें दे देते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिया 100 ग्राम, तो यहाँ पर गुड़ दे दिया। और गुड़ के जगह आप चीनी से भी ये चटनी बना सकते हैं। तो गुड़ देने के बाद अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 ठो खीजूर को लिए थे, खीजूर को अच्छी तरह से छोटे छोटे काट लिए धोकर। और देखिए यहाँ पर किशमिश और 4-5 ठो काजू लिए। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें दे दिए और बिना काजू किशमिश दिए भी ये चटनी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, बस थोड़ा सा, ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो देखिए मैंने 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका लिए। तो गैस बंद कर दिए दोस्तों, और ये हमारा अंगूर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना अच्छा बना आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो आप भी बनाइए और खाइए दोस्तों। आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं आगे न्यू वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।